ऑलराइट जी, अब हमारे साथ दुआ मौजूद है और दुआ के बेटे अली आ जाए हुए हैं और ये बताएंगी कि माएँ जो हैं जब बच्चे उनके छोटे होते हैं तो उनको किस तरह से गाइड कर रही होती हैं, किस तरह से उनकी ग्रूमिंग करती हैं कि वो जब बाहर जाएं तो वो बहुत अच्छे लगें, और ये बचपन से ही शुरुआत होनी चाहिए ताकि हाइजीन का भी वो बचपन से ख्याल रखें। तो माएँ उनको आदत दिलाती हैं, पापाज भी दिलाते हैं, लेकिन हम आज क्योंकि माओं के साथ बेटों का शो कर रहे हैं तो इसलिए मामा बताएंगी आज कि वो अपने बेटे का कैसे ख्याल रखती हैं। जी दुआ, दुआ अली हैं, माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से, एंड बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। वो आपकी वजह से कि आपने अपने बेटे में कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप किया। तो ये बताएं कि ग्रूमिंग का ख्याल किस तरह रखती है, क्या क्या चीज़ें इनके लिए यूज़ करती हैं, आप लेकर भी आई हैं? जी बिल्कुल नाजिया, एक्चुअली आजकल बच्चों का आपको पता है कि उनको भी अपनी हर चीज़ चाहिए होती है, जैसे हम लोग अपने बैग में हर चीज़ कैरी कर रहे होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, हर चीज़ होती है, इनका हर चीज़ अलग है, इनके हम टच नहीं कर सकते कोई चीज, इनका कॉम अलग है, मैं यूज नहीं कर सकती ये कॉम। वेरी गुड, ठीक है। ये वैसे आदत किसने दिलाई इनको? ये हमारे फैमिली में है, तुम्हारी भी यही आदत है? हाँ, तो उसने भी यही किया, क्योंकि हम लोग बैग्स लेके आते हैं अपने, हर चीज मेरी अपनी होती है, तो ये अपना एक बैग कैरी करते हैं। अच्छा, ग्रूमिंग में इसके आप कैसे स्टार्ट लेते हैं? एक्चुअली नाजिया, इनके हेयर थोड़े से सिल्की है, कभी जाना होता है कहीं तो मैं हल्का सा इसके, आजकल इनको बाल बढ़ाने का बड़ा शौक हो रहा है, हल्का सा मैं स्प्रे करके ताकि इनके बाल थोड़े ठहर जाए। अच्छा, और ये अपवर्ड्स बनाते हैं, साइड पे बनाते हैं? ये एक ही स्टाइल है इनका, इस टाइम बस ये हीरो वाले बाल ये। हाँ, अच्छा, इसी तरह कटिंग भी यही करवाते हैं? कटिंग भी है। अच्छा, मुझे पर्सनली बाल बच्चों के बहुत शॉर्ट अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन इनको नहीं पसंद? इनको पसंद है बड़े बाल। तो टीचर कुछ कहती नहीं है इनको? नहीं, अलाओ है। अलाओ है ना, ओ मॉडर्न स्कूल। अच्छा, ओके। और ये क्या है? अच्छा, क्रीम ये यूज करते हैं स्कूल से, जब आते हैं तो बच्चों के फेस पे वो स्वेटिंग हो रही होती है, तो फेस पे लगा के इनको हम बताते हैं कि आप स्किन का ख्याल करें, सॉफ्ट स्किन है, फिर टिश्यूज से या कॉटन से ये अपना फेस साफ करते हैं। तो इसको आदत डाल दी है कि जी, खुद करें। exactly, अच्छा, ये इस तरह से साफ करते हैं, क्रीम लगा के, जैसे हम लोग क्लींजर यूज करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, इस तरह करके। और ये बचपन से ही आदत होनी चाहिए, आपकी बेबी स्किन होती है, बच्चों के लिए लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको आदत डालें कि अपनी स्किन को बचपन से साफ करें, और पूरी स्किन को आपने साफ करना है, ठीक है? अब मुझे देख के भी शौक होता है कि मैं जो क्लींजर यूज कर रही हूँ इनको भी करना होता है, तो वही वाले क्लींजर्स भी। और इनका एक बॉडी स्प्रे है, ये इनके पास हमेशा रहता है। अच्छा, ये सुबह स्कूल भी लगा के जाते हैं। ओह वेरी गुड। अच्छा, कि अच्छी स्मेल जो है वो, ये भी हाइजीन की वजह से कि आपके अंदर बुरी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट ये जो क्रीम है, ये आप, मैंने सुना है कि हाथ में बहुत यूज करते हैं? जी, ताकि इनके हाथ में थोड़ा स्मेल आए अच्छी सी। अच्छा, तो कैसे यूज करते हो जरा बताओ? और ये हमेशा अपने साथ ये चीज़ें रखती हैं, मतलब मामा ने आदत डाली है इनको कि अपने साथ अपने ग्रूमिंग की चीज़ें जो सारी, तो आप इनको अच्छा लगता है कि हाथों से खुशबू आए? खुशबू आए हाथों से, मेरे पास से आए स्मेल, मेरे पास से स्मेल तो नहीं आ रही मम्मा, देखें आ रही है, अच्छी सी आ रही है, कैसी आ रही है? आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी तो। अच्छा, और साथ में ये आप इनको डिओड्रेंट भी लगाते हैं? बॉडी वॉश भी इनका है एक अलग से, सोप यूज नहीं करते ये, इनको इनको सोप से थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो फेस वॉश भी है इनका, वो अभी इनका खत्म हो गया था फेस वॉश। अच्छा, वो लेकर नहीं, वो लेके नहीं आए। तो मामा का यूज करते हैं फेस वॉश? जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, ये इनका बॉडी वॉश, जब इनका आ जाएगा अपना फेस वॉश तो अपना यूज करेंगे, एंड ही यूज हिज ओन बॉडी शावर जो है वो यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आज की पूरी ग्रूमिंग में नजर आई जो बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज कि इन्होंने अपनी हाइजीन का ख्याल रखा है, और जिस तरह बालों को किस तरह से आपने अपने संवारना है वो बताया है, क्योंकि आपने सर झाड़ मुंह फाड़ बच्चे भी कर नहीं जा सकते, उनको भी चाहिए अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के बच्चे वेल ग्रूम्ड हो गए, तो यही बात आती है ना कि जो यूथ है हमारी उसको बहुत कुछ पता है कि अब आगे हमें कैसे जाना है और कैसे चलना है। थैंक यू सो मच दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।